नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में दो कृषि विधेयकों के पारित होने के बाद सड़क से संसद तक विरोध बढ़ता जा रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच जंग छिड़ी हुई है। बिल को लेकर सदन में हंगामा हुआ, जिसके बाद 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद से ही समूचे विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों का बहिष्कार किया हुआ है। अब खबर आ रही है कि कुछ ही घंटों बाद यानी शाम 5 बजे ही विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगी। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा गया था, जिसमें कृषि बिल पर चिंता, राज्यसभा में हुए हंगामे, सांसदों के निलंबन के मसले पर चर्चा की बात कही गई थी। विपक्ष ने अपील की थी कि राष्ट्रपति कृषि बिल को वापस राज्यसभा में लौटा दे। बता दें कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कृषि का विधेयक कानून बन सकते हैं। किसान बिल के मसले पर कुल 16 पार्टियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। हालांकि आज शाम की मुलाकात के दौरान सिर्फ 5 पार्टियों के नेता ही मिलेंगे, क्योंकि कोरोना संकट है, इसलिए कम लोगों की एंट्री मिली है। हालांकि ये सभी नेता सभी विपक्षी पार्टियों की चिंताएं व्यक्त करेंगे। इनमें कांग्रेस, TMC, समाजवादी पार्टी, TRS और DMK के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उधर संसद परिसर में संयुक्त रूप से विपक्षी दलों का कृषि विधेयकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है। सांसद किसान बचाओ, मजदूर को बचाओ और लोकतंत्र को बचाओ जैसे नारे लगा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, TRS के डेरेक ओब्रान और NCP के प्रफुल्ल पटेल सहित अन्य उपस्थित हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष को शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का भी साथ मिला है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।